नागों के राजा वासुकी अपने सगे संबंधियों और परिवार के साथ पाताल लोक में रहते थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त वासुकी उनकी पूजा में लीन रहा करते थे। समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी ने मेरु पर्वत से लिपटकर रस्सी का कार्य किया था। एक तरफ दानव और एक तरफ से देवता उन्हें पकड़कर खींच रहे थे। इस दौरान नागराज बुरी तरह से घायल हो गए थे। संसार के कल्याण हेतु समुद्र मंथन के कार्य में उनके अतुलनीय सहयोग से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले में सुशोभित करने का वरदान दिया। तभी से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले पर विराजमान होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं नागराज वासुकी के ही भाई शेषनाग भगवान विष्णु की शैया स्वरूप में विद्यमान है। नाग पंचमी के दिन जंगल का एक नाग भगवान शिव की आराधना कर रहा था, साथ ही नागराज वासुकी की भक्ति कर रहा था। मंदिर में सबके जाने के बाद वो आता था। नागराज वासुकी ने आखिर दर्शन दिया और जंगल के नाग को वर दिया कि वो आधा इंसान और आधा नाग का रूप कभी भी ले सकेगा, उसकी सुरंग में जादुई शक्तियां होंगी। इतना वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जंगल के नाग का शरीर परिवर्तित होने लगा। अब शक्तियों से भरपूर वो नाग नागराज कहलाने लगा। पशु पक्षी इंसान सबके कष्ट वो चुपके से दूर करने लगे। लेकिन एक दिन जब वो नाग रूप में ही जंगल में थे तो कुछ शिकारियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और वो घायल होकर कराहने लगे। जंगल में नागराज की सुरंग से कुछ दूरी पर एक तोता बहू रहती थी। वही लड्डू तोते की आज शादी थी। उसके माता पिता बहुत खुश थे और गाजे बाजे के साथ तैयारियां हो रही थी। आखिर आज बारात निकल रही थी। बारात शाम से आती है, शादी की सारी रस्में होती हैं। सास बहू को लेकर घर पहुंचती है। अचानक अगले दिन ससुर की तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाते हैं। तोते की सास का एक मुंह बोला भाई था क्रूर कौआ, जो उसे उसकी बहू के खिलाफ भड़काता रहता था कि तेरी बहू करम जली है, इसीलिए तो ऐसा हुआ। अब सास के मन में बहू के लिए नफरत भर गई। तोता बहू हमेशा परेशान और दुखी रहती थी क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके ससुर का देहांत हो गया था और उसके कुछ महीने बाद उसका पति भी बीमार पड़ गया, इसलिए उसकी सास उसे अपशगुनी तोता बहू कहती थी। एक दिन तोता बहू की सास कहती है, अरे कहां मर गई अपशगुनी बहू? आवाज सुनकर तोता बहू जल्दी से आती है। जी माँ जी, क्या काम है? कल तेरी ननद कीवी आ रही है, उसके सामने अपना अपशगुनी चेहरा छिपा कर रखियो। जब तक मैं ना कहूँ कीवी के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना पीना सब बना दियो, बाकी मैं देख लूंगी। अगली सुबह कीवी अपने मायके पहुंच जाती है। कीवी अपनी माँ के गले लगती है और, माँ कैसी हो और भाभी कहाँ है? ये सुनकर तोता बहू की सास मुंह बनाकर बोलती है, अरे मैंने ही उसे कहा है कि तेरे सामने ना आए, अपशगुनी कहीं की। जब से शादी करके आई है कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। पहले तो तेरे पापा को खा गई, फिर भाई इतना बीमार पड़कर हर समय बिस्तर पर ही रहता है। माँ एक काम करते हैं, इसे इतना परेशान करते हैं कि अपने आप यहाँ से चली जाए। एक दिन तोता बहू किसी काम से जा रही थी, रास्ते में उसे नागराज दिखते हैं। नागराज को चोट लगी हुई थी, कोई भी डर के मारे नागराज के पास नहीं जा रहा था। पर तोता का ध्यान नागराज की चोट पर जाता है और, हे भगवान, इस नागराज को तो बहुत चोट लगी है, एक काम करती हूँ, इनकी पट्टी कर देती हूँ। तोता बहू अपने दुपट्टे से नागराज की पट्टी कर देती है और थोड़ा पानी भी पिला देती है। थोड़ी देर में नागराज को होश आ जाता है और, नागराज आपको होश आ गया, अब आप ठीक हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मैंने तुम्हें कई बार देखा है यहाँ से आते जाते, तुम कुछ परेशान रहती हो, कोई बात है क्या? ये सुनकर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जाती हूँ। ये कहकर तोता बहू अपने घर चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तभी कीवी को चोट लग जाती है। ये सब देखकर, जैसे ही अपशगुनी घर में आई वैसे ही मेरी बेटी को चोट लग गई, अभी तक एकदम ठीक थी। तभी तोता बहू की सास की नजर तोता पर पड़ती है और, तेरा दुपट्टा कहाँ गया अपशगुनी? कहाँ से आ रही है अपना मुंह काला करके? तोता को बहुत दुख होता है। वो अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर उनको सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर भी तोता सास को बहू पर विश्वास नहीं होता और, मेरे घर से निकल जा,
जब से मेरे घर आई है ना, कुछ ना कुछ अपशगुन ही हो रहा है। पहले मेरे पति की मौत हो गई, अब मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, बिस्तर से भी उठ नहीं सकता। सब तेरी वजह से हुआ है। इतने में कीवी वहां आ जाती है। माँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मेरे ससुराल में पहले सब कुछ था। एक बार जब भाभी मेरे घर आई, तब से मेरी सास बीमार रहती है और मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। ये कहकर कीवी रोने लगती है। तभी, मेरी बच्ची मत रो, ये तो है ही अपशगुनी। आज मैं इसकी एक नहीं सुनूंगी, आज मैं इसे घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी। ऐसा कहते हैं कि सास तोता बहू का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है। तभी वहां पर मिट्ठू आ जाता है और तोता बहू से लिपटकर रोने लगता है। ये देखकर तोता बहू की सास उसे छोड़ देती है और उस पर बहुत अन्याय करने लगती है। एक दिन अचानक मिट्ठू भी बहुत बीमार हो जाता है। ये सब देखकर, क्या मैं सच में अपशगुनी हूँ? ऐसा कहकर तोता बहू बहुत रोने लगती है। तभी उसकी सास और ननद आती है और उसे घर से बाहर निकाल कर कहती है, अपशगुनी निकल जा मेरे घर से। तोता बहू बहुत गिड़गिड़ाती है, पर दोनों उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। तोता बहू रोते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के नीचे जादुई सुरंग में नागराज बैठा होता है। तोता की रोने की आवाज सुनकर नागराज बाहर आता है और, अरे तोता, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ये सुनकर तोता और रोने लगती है। नागराज तोता को चुप कराता है और दोबारा तोता से पूछता है। तोता रोते हुए सारी बातें नागराज को बता देती है। ये सब सुनकर, अपशगुनी जैसा कुछ नहीं होता है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद ही भगवान ने तुम्हारे ससुर को अपने पास बुलाने का सोचा होगा। जो इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन इस दुनिया से जाना भी होता है। तुम जैसी बहू अपशगुनी कैसे हो सकती है, जो दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। ये कहकर नागराज तोता को जादुई सुरंग में ले जाते हैं। वहां बहुत सारे सोने, चांदी और रुपए होते हैं, पर तोता बहू को किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होता। तभी नागराज जादुई सुरंग की मिट्टी तोता बहू को देते हैं और कहते हैं, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जादुई सुरंग की मिट्टी है। इसे ले जाओ और अपने बेटे और पति को इसे लगा देना, दोनों ठीक हो जाएंगे। तोता बहू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। अब से हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। तोता बहू जादुई सुरंग की मिट्टी लेकर घर जाती है। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी सास दरवाजा खोलती है और, फिर से आ गई अपशगुनी, आप क्या करने आई है? माँ जी, आपको जो कहना है बाद में कह लेना, अभी मैं जादुई सुरंग की मिट्टी लाई हूँ, उससे मिट्ठू और मिट्ठू के पापा दोनों ठीक हो जाएंगे। तोता बहू की ये बात सुनकर सास उसे अपने घर में आने देती है और तोता बहू उस मिट्टी को अपने बेटे और पति दोनों को लगा देती है और थोड़ी देर में ही दोनों ठीक हो जाते हैं। दोनों को ठीक देखकर तोता बहू की सास उससे कहती है, ये जादुई मिट्टी कहाँ से मिली? तोता सारी बातें अपनी सास को बता देती है। ये सब सुनकर सास और कीवी दोनों को लालच आ जाता है, वो भी जादुई शक्तियां पाना चाहती हैं और नागराज की सुरंग में घुस जाती हैं। लेकिन अचानक से उन्हें कीड़े घेर लेते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगती हैं। नागराज जो सुरंग में सोए थे, उनकी नींद खुलती है और वो चिल्लाते हैं कि कौन मेरी आज्ञा के बिना अंदर आया है। वो उस पर विष की फुंकार करते हैं। तभी तोता बहू आ जाती है, वो नागराज को रोक लेती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों नागराज से माफी मांगती हैं। वो सभी कभी कभी नागराज की सुरंग में जाते और खूब इंजॉय करते। वहां वो लोग उस जादुई सुरंग से जो करने को कहते सब हो जाता। सभी मिलकर रहने लगे और किसी ने भी उस जादुई सुरंग का कभी गलत फायदा नहीं उठाया।